जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 से 4 बड़ी अपडेट हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 6 अगस्त को, उसका जो आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो आज आप लगभग शाम के समय आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आज शाम को आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि 2021 और 23 के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो आज शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे बात करें, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके लिए कल बैठक थी सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो उसमें अब उस पर डिसीजन ले लिया गया है। यानी कि जो बच्चे स्पेशल का एग्जाम भरना चाहते थे, स्पेशल एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए अब 1 सितंबर से एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिए जाएंगे स्पेशल के। यदि आपका 1 या 2 साल हो गया है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में अमाउंट रखा गया है। यदि आप 1 साल पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था और आप स्पेशल का एग्जाम भरना चाहते हैं, किसी आपका बैक या कुछ भी आप भरना चाहते हैं, तो उसमें आपका 5,000 रुपए लगेगा। और यदि आपका 2 साल पहले कोर्स हो चुका था तो उसमें आपका फिर आपका 10,000 रुपए लगेगा। तो ये आपका इसमें शुल्क लगने वाला है। इसके लिए 1 सितंबर से फॉर्म भरवाने स्टार्ट कराए जाएंगे, 1 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट करा दिए जाएंगे भराने। इससे आगे बात करें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेकर, तो प्रैक्टिकल पे भी डिसीजन लिया गया है कल सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, जो आपके थ्योरी के मार्क्स होंगे, उसमें आपका 15 यानी कि उसके एवरेज मार्क्स से 15 मार्क्स आपको अधिक दिए जाएंगे, यानी कि उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 15 मार्क्स अधिक दिए जाएंगे। तो ये होंगे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, इस पर आपका डिसीजन कल हो गया है। अब इससे आगे बात करें जो नए सत्र के एडमिशन चल रहे हैं, तो नए सत्र के एडमिशन के लिए अभी यूजी के लिए पोर्टल ओपन है। बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ यूजी के लिए पोर्टल ओपन है। पीजी के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो लगभग 10 सितंबर के आसपास तक पोर्टल ओपन किया जाएगा। इससे आगे बात करें, जो बच्चों के एग्जाम हुए थे, अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं कि फाइनल ईयर का रिजल्ट, सेकेंड ईयर का रिजल्ट या उनके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट वो कब तक आने वाला है, तो उनका जो रिजल्ट है उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है 10 सितंबर के आसपास तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे बात करें, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं, काफी ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो प्रमोट वाला रिजल्ट भी, उस पर जो है जो लास्ट ईयर प्रमोट की प्रक्रिया थी, यानी कि जो क्राइटेरिया था, उसी के अकॉर्डिंग इस ईयर भी प्रमोट का रिजल्ट बनना स्टार्ट करा दिया गया है। तो आपका जो रिजल्ट है, प्रमोट वाला रिजल्ट भी बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा जो बच्चे प्रमोट हुए हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।